जय हिंद साथियों, आप सभी को पीबीआर स्टडी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों, इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने बात किया था सेंटेंस के बारे में, और सेंटेंस सिखाने से पहले हमने आपको बताया था कि आपको क्लॉज आना चाहिए। तो क्लॉज के बारे में पिछले क्लास में हमने बता दिया था, अगर उस वीडियो को नहीं देखो तो पहले उस वीडियो को देखो, क्योंकि आप क्लॉज नहीं सीखोगे ना साथियों, फिर सेंटेंस समझना इम्पॉसिबल ही नहीं, बहुत असंभव बात है। ठीक है, तो पहले आप क्लॉज वाला वीडियो को देख लो, उसका वीडियो बना चुका बन मतलब प्लेलिस्ट में होगा, वहाँ से देख लो, और हम अभी सेंटेंस को शुरू करेंगे। ठीक है, तो बने रहो। हमने आपको बताया था पिछले क्लास में कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं साथियों, तीन प्रकार के। पहला सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स। कौन? सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स समझने के प्रयास करना। हमने आपको बताया था सेंटेंस जो होता है हमारा तीन प्रकार के होता है। सेंटेंस कितने प्रकार का होता है? तीन प्रकार के हमने बताया था। पहला आपका होता है सिंपल। क्या होता है? सिंपल। दूसरा होता है आपका कंपाउंड, कंपाउंड। और तीसरा हमने बताया था आपका एक कॉम्प्लेक्स। हमने चर्चा किए थे पिछले क्लास में सेंटेंस क्या होता है, तीन प्रकार के होता है, सिंपल, कंपाउंड, कंप्लेक्स। ठीक है साथियों, समझ पा रहे हो ना की बातों को याद रखना। ठीक है, तो अब हम समझेंगे कि सिंपल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, कम्प्लेक्स क्या होता है। इन सारी चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। टेक्निकल टीम, थोड़ा वो वाला फिगर लगा दीजिए आप। टेक्निकल टीम लगा रहे हैं, वेट कर लो भाई, थोड़ा सा वेट कर लो। यस, लग जाना चाहिए। सर लगा दीजिए थोड़ा वो वाला फिगर, बंदे को देख सकते। यस, आ गया आपके सामने। लगा दीजिए। हाँ, दिखाई दे रहा होगा आपको साथियों। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला आपको बता दूं, आ जाओ इधर साइड, दूसरा हाँ आ जाइए। यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा होगा आपको सिंपल सेंटेंस। साथियों देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा सिंपल सेंटेंस में लिखा है, जिस वाक्य में केवल एक मेन क्लॉज हो। क्या हो? जिस वाक्य में केवल एक मेन क्लॉज हो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। इसे समझने का प्रयास करना पड़ेगा आपको साथियों। ये देख लिए ना आप, फिर उसको हम आपको बतवाएंगे। ठीक है, कैसे होगा? ठीक है, चलो आ जाओ। हमने बात किया जिस सेंटेंस में केवल एक मेन क्लॉज हो, समझते हो ना, एक मेन क्लॉज हो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। मेन क्लॉज, मैंने क्लॉज पढ़ाया था, क्लॉज दो प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? मैंने बताया था आपको, एक होता है मेन क्लॉज, एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। आप देखो वीडियो तो बहुत अच्छी तरीके सीखोगे। तो जो सिंपल सेंटेंस होता है, ये वाला सिंपल सेंटेंस, ये जो सिंपल सेंटेंस होता है इसी में एक मेन क्लॉज होता है। इसके एग्जांपल देखो, फिर समझ पाओगे। जैसे मैंने लिखा, ये मेन क्लॉज का मतलब क्या होता है? इसका कंप्लीट मीनिंग हो। और सबऑर्डिनेट क्लॉज का मतलब क्या होता है? इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं हो, किसी चीज पर आश्रित हो, उसे सबऑर्डिनेट कहते हैं। ये मैंने बताया था ना आप सभी को, मेरा वाला वीडियो देखे हो ना, ये सारी चीजें बताया था, ये बात रखना। ठीक है, तो यहाँ पे सारे चीजें आज मैं फिगर के जरिए बताऊंगा, सारे चीजें आपको स्लाइड लगे हुए मिलेंगे, और स्लाइड से आप अच्छे तरह से नोट कर पाओगे, क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा लगते हैं, इससे टेक्निकल टीम भी यहाँ पे आपको सपोर्ट करने की। ठीक है, और ये स्लाइड वाला पहला क्लास है, तो थोड़ा बहुत गैपिंग होंगे, तो उसके लिए वरी आउट नहीं होना है, क्योंकि आपको पढ़ने से मतलब है। मैंने बताया सिंपल में क्या होता है, एक मेन क्लॉज होता है। क्या होता है साथियों? एक मेन क्लॉज होता है। देखने का प्रयास करना, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ। ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा साथियों, मैंने लिखा कि ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, वह एक ईमानदार लड़का है। मैंने क्या लिखा साथियों बता देना, मैंने लिखा कि ही इज एन ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, ही इज एन ऑनेस्ट बॉय, इसका मतलब बताओ, वह एक ईमानदार लड़का है, इसका कंप्लीट मीनिंग आ रहा है ना। और देखो यहाँ पर एक ही क्लॉज है, इसको क्या बोलते हैं, पूरे को एक क्लॉज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे क्लॉज बोलते हैं। और इस क्लॉज को क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज बोलते हैं। एक क्लॉज हो जिसमें एक मेन क्लॉज हो, और मेन क्लॉज का मतलब क्या होता है? जिसका कंप्लीट मीनिंग, इसका मीनिंग कंप्लीट है ना, जो सेंटेंस लिखे इसका कुछ ना कुछ मीनिंग है ना, एक कंप्लीट मीनिंग है, इसे मेन क्लॉज बोलेंगे। और इसमें कितने क्लॉज है? एक क्लॉज है, उसी को क्या बोलते हैं? सिंपल सेंटेंस कहते हैं। फिर से स्लाइड देख लो, स्लाइड से फटाफट आप क्या करना, नोट डाउन कर लेना।
देखो आपके स्क्रीन पर स्लाइड लग गए, देख लो यहाँ पे इंग्लिश लिखा हुआ है इंग्लिश भाई शशि पटेल, और सिंपल सेंटेंस का लिखा हुआ है कि जिस वाक्य में केवल एक मेन क्लॉज हो उसे सिंपल सेंटेंस कहते हैं। वहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है। फिर देखिए एक और टेक्निक और लग गए होंगे स्क्रीन पे, इधर साइड में देखो, इधर इधर यहाँ पे बता दे आपको, हाँ फिर एक और लगा कि आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, आई एम टीचिंग यू। ये दो एग्जाम्पल थे, ठीक है। अब हम लोग इसको अब करवाते हैं, इसको हाइड आ जाइए, हम अपना आते हैं बात पे। अब बात करेंगे हम किसके साथियों, ये कंपाउंड क्लॉज की बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे साथियों? कंपाउंड क्लॉज की, ठीक है, क्योंकि हमने सिंपल को समझ लिया, क्योंकि सिंपल समझ लिया ना साथियों तो बहुत कुछ समझ लिया। सिंपल बहुत आसान होता है, और ये कंपाउंड, और समझना कंपाउंड और कम्प्लेक्स को समझने के लिए साथियों, कंपाउंड एंड कम्प्लेक्स को समझने के लिए आपको दो तीन चीज आना चाहिए। चाय पिए हो ना, चाय, जो बंदा चाय पिया होगा वो कंपाउंड समझ जाएगा, और जो बच्चा शिकंजी पिया होगा, शिकंजी किस किस ने पिया अभी तक बताओ मुझे। अरे भाई 2 रुपए गिलास देते हैं वो सादा पानी, और उसके साथ वो मिला लेते हैं वो 10 रुपए लेते हैं शायद, दिल्ली में था जब मैं तो वैसे लेते हैं, ठीक है। तो जो कंपाउंड सीखना होगा ना आपको थोड़ा सा फेस करना पड़ेगा, कंपाउंड में कुछ ज़्यादा नहीं होता है, कंपाउंड में जो मेन क्लॉज होता है ना वो 2 बार आ जाता है, उसमें 2 मेन क्लॉज आ जाते हैं। क्या आते हैं? 2 मेन क्लॉज आ जाते हैं। क्या होता है साथियों? 2 मेन क्लॉज आ जाते हैं कंपाउंड सेंटेंस में। क्या होता है साथियों आपका? 2 मेन क्लॉज आ जाते हैं, ठीक है। जिस सेंटेंस में क्या हो? 2 मेन क्लॉज आ जाए, ठीक है। जिस सेंटेंस में क्या हो? 2 मेन क्लॉज आ जाए, इसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। आपके स्क्रीन पर लग गया होगा, जिस सेंटेंस में 2 मेन क्लॉज हो, 2 मेन क्लॉज हो, इसे कंपाउंड कहते हैं। इसे मैं देसी तरका से भी समझाऊंगा, बस बने रहना, फटाफट नोट कर लो। आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, मैं जरा हट जा रहा हूँ, ठीक है। आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए स्क्रीन पे दिखाई दे रहे आपके, फटाफट नोट डाउन को। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखे हुए, एग्जांपल को मैं पूरी डिटेल से बताऊंगा आप साथ को साथियों को, ठीक है। चलो फटाफट नोट डाउन करो, चलो जल्दी से नोट डाउन कर लो। चलो मैं अगर तो आप सबने नोट डाउन कर लिया होगा, आ जाओ हम समझेंगे कंपाउंड सेंटेंस को, क्योंकि सारी चीज मैं लिखूंगा ना ज्यादा टाइम लगता है, मैं आपको टाइम बचाना चाह रहा हूँ, लिखवाना नहीं चाह रहा हूँ, क्योंकि लिखवाने से साथियों को टाइम ज्यादा लग जाते हैं, मुझे पता है। समझो कंपाउंड के एग्जाम्पल देखो, कंपाउंड के क्या करेंगे हम लोग? एग्जाम्पल करेंगे। जैसे जैसे ले लो, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू एंड ठीक है, यू आर, आई एम टीचिंग यू एंड यू आर प्लेइंग, ठीक है। पीएलए बाय आईएनजी, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ एंड यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो। ये जो एंड है के बाद भी एक क्या है? एक मेन क्लॉज है, ये मेन क्लॉज 1 ले लीजिए, और यहाँ देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये भी एक क्या है? मेन क्लॉज 2 है, 1 2 यहाँ पे 2 मेन क्लॉज है। क्या है यहाँ पे? 2 मेन क्लॉज है। मैंने बताया कि जहाँ पे 2 मेन क्लॉज है उसे कंपाउंड कहते हैं। क्या भी कंप्लीट मीनिंग है? आई एम टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ एंड यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तुम के लूडो खेल रहे। आज लूडो बहुत आजकल चल रहा है, सारे बच्चे को देख रहे हो लूडो खेल रहे हैं, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम लूडो मतलब खेल रहे हो। ये सारे बातों को आपको ध्यान रखना, ऐसा सेंटेंस होते हैं। जैसे बता सकते, एक और सेंटेंस ले लो, एक और सेंटेंस में लिखवाने के लिए थोड़ा मिटाना पड़ेगा इसे, ठीक है, तो वेट कर लो थोड़ा सा। एक और सेंटेंस को सब नोट करते चलना, ठीक है साथियों। एक और सेंटेंस बतवा दूँ आपको, बने रहो मेरे साथ। बस देखो साथियों, जो चीज़ आप अब 10 सालों में नहीं सीख पाए हो ना, मैं 1 क्लास में नहीं सिखा पाऊंगा, क्योंकि आप पहली बार मेरे क्लास कर रहे हो, धीरे धीरे मेरे से लैंग्वेज समझने में कुछ दिन लग जाएंगे, मैं किस वे से पढ़ा रहा हूँ, तो बस पेशेंस रखना। देखो विद्यार्थी के पास एक तो पेशेंस होना चाहिए, यानी कि धैर्य होना चाहिए, और एक कॉन्फिडेंस होगा साथियों, बहुत कुछ कर सकते हो, धैर्य होगा तो बहुत कुछ कर सकते हो। तो बस धैर्य बनाए रखो और कॉन्फिडेंस रखो कि मैं सीख जाऊँगा, और मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं आपको 100% सिखा दूँ, ठीक है, मेरा यही कंसेप्ट रहता है। हमने कंपाउंड का आपको एक एग्जांपल दिया कि आई एम टीचिंग यू, यू आर प्लेइंग, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, तुम खेल रहे हो। चलो एक और एग्जांपल ले लो मेरे से, एक और एग्जांपल ले लो ताकि तुमको क्लैरिटी मिल जाए। एक और एग्जांपल ले लो, क्या ऐसे मैं बोल दूँ, एक और एग्जांपल क्या बता दूँ, ले लो, ही टीच
एंड यू क्राई, वह पढ़ाता है तुम रोते हो, वह पढ़ाता है तुम रोते हो, क्यों रोते हो, क्योंकि तुम याद करके नहीं जाते हो, पिटाई खाते हो, इसलिए रोते हो। कह रहा है यू ही टीच एंड यू क्राई। अब यहाँ पे कुछ लॉजिक आ रहा होगा आपके साथ। अभी कोई कमेंट देख रहा हूँ मैं, यहाँ पे कमेंट सबकी दिख रही, साथियों देखो यहाँ पे कमेंट दिख रही है, देखिए सबकी कमेंट मैं देख रहा हूँ। आप कमेंट करो क्या सीख पाओ कंपाउंड समझ में आए। जब दो मेन क्लॉज हो, समझना मेरी बातों को, जब दो मेन क्लॉज हो तो उस वाले सेंटर जो दो मेन क्लॉज इस सेंटेंस में हो उसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। यार जहाँ पे जिस सेंटेंस में दो मेन क्लॉज आ जाए उसे कंपाउंड सेंटेंस कहेंगे। अब देखो अभी तक ना आपने गौर किया होगा, इन दोनों मेन क्लॉज के कुछ ना कुछ जोड़ने के लिए वर्ड यूज़ किए, जैसे मैंने एंड का यूज किया था। अब एक और एग्जाम्पल देख लो ताकि क्लियर हो पाए, एक और एग्जाम्पल देखो। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा I teach but you laugh। मैं पढ़ाता हूँ लेकिन आप हंसते हो। देखो आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ बट यू लाफ। अब यहाँ पे कुछ चीजें मुझे निकल के आ रहे हैं, क्या यहाँ से एक यहाँ तक एक मेन क्लॉज था, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी एक मेन क्लॉज था, लेकिन बीच में ये वर्ड, यहाँ भी वर्ड क्या कर रहे हैं, दोनों सेंटेंस को कुछ ना कुछ ये तो रिलेट करवा रहे हैं ना, कंपाउंड कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं दोनों सेंटेंसों को। और दो मेन क्लॉज वो जिस सेंटेंस में वो कंपाउंड कहलाता है, हमने बातों को सीखा, ये और ये कुछ ना कुछ जोड़ रहे हैं। तो मुझे एक कंसेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया आता है, तो क्या क्लियर हो गया आता है समझ लो ना, इस वर्ड में फैन बॉयज, मैं लिख दे रहा हूँ समझो, इस तो यहाँ पे दिखाई देगा ना, इस वर्ड में FANBOYS, इस सेंटेंस में फैन बॉयज से दो मेन क्लॉज जुड़ा हो, इस सेंटेंस में फैन बॉयज की आवश्यकता पड़ा हो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, वो कंपाउंड होते हैं, रामबान तरीका बता दिया। सेंटेंस में फैन बॉयज FANBOYS, ये फैन बॉयज क्या होते हैं दिमाग में आपका आना चाहिए। मैं कमेंट सबकी देख रहा हूँ साथियों, यहाँ पे कमेंट सबकी आ रही है, सबकी कमेंट देख रहा हूँ, लेकिन मैं अभी कमेंट में पढ़ना नहीं चाह रहा, पता क्यों, अच्छा तो मैं कमेंट के चक्कर में चला जाऊँगा तो फिर अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कंसेप्ट मुझे क्लियर करना है। यहाँ पे समझो फैन बॉयज क्या है, फैन बॉयज, और समझो फैन बॉयज से जो सेंटेंस जुड़ा हुआ हो, फैन बॉयज से जो सेंटेंस जुड़ा हुआ हो उसी को तो कंपाउंड कहेंगे ना साथियों, बताओ मुझे को ना कंपाउंड कहेंगे। अभी नहीं समझ पाए तो समझो, उससे भी नहीं समझ पाते और समझो देसी तरका, तो ऐसा क्लॉज ले लो दो गो, और ऐसा क्लॉज ले लो अपना अपना कंप्लीट मीनिंग हो, क्या उसका अपना कंप्लीट मीनिंग हो, उसका भी कंप्लीट मीनिंग हो, और दोनों को जो कि एक सेंटेंस बना देते हो उसी को तो कंपाउंड कहते हैं। कंपाउंड देखो आप साइंस में पढ़े होगे, अलग अलग तत्वों को मिला करके एक नया तत्व बना देते हैं उसी को तो ही कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ भी अप्लाई करो ना, दो मेन क्लॉज को एक साथ जोड़ दे और उसका मीनिंग एक निकले, दो मेन क्लॉज को एक साथ जोड़ देंगे और उसका मीनिंग अलग, मतलब एक ही निकले, अलग नहीं निकले, उसी को कंपाउंड कहेंगे। अभी भी नहीं समझे ना, आप समझो चाय बनाने वाला तरीका से, ये सबसे खतरनाक तरीका है समझो, चाय में क्या क्या मिलाते हो आ जाओ मैं बताता हूँ, चाय किस किस को आता है बनाने, चलो मैं डालता हूँ सेंटेंस के लिए वाला बहुत ज़्यादा जगह छीक रही, जाओ तुम लोगों को थोड़ा बेहतर बता पाऊं। आज मैं कह रहा था कि चाय बनाना किस किस को आता है, चाय किस किस ने पिया, फटाफट कमेंट करो, सबकी कमेंट देख रहा हूं मैं, फटाफट कमेंट करो भाई। क्या रजेश भी कमेंट कर दिए हैं, सुनील भी कमेंट कर दिया, जी 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 बिल्कुल आपको आता है मैं समझ गया, यहाँ पर सभी का आता है। मैं कमेंट पढ़ना चालू करूँ तो बहुत सारे बच्चे कमेंट है, मैं पढ़ते पढ़ते थक जाऊँगा, लेकिन समझो चाय जिस जिस को बनाने आता होगा वो कंपाउंड सेंटेंस यू चुटकियों में सीख जाएगा। कैसे, जब चाय बनाते हो तो चाय में क्या क्या डालते हो बताते चल, आपकी कमेंट में देख रहा हूँ, चाय बनाते हो तो वहाँ पर आपका जरूरत पड़ता है शुगर, ठीक है, फिर क्या जरूरत पड़ता है मिल्क, ठीक है, फिर क्या जरूरत पड़ता है टी लीफ, यानी कि चाय पत्ती के लिए, ठीक है,
फिर क्या जरूरत पड़ता है, जिंजर अदरक, बहुत सारे अदरक भी खाने वाले होंगे वहाँ पे, पड़ता है जरूरत जिंजर की। फिर क्या बहुत सारे बच्चे कहते नहीं सर वाटर क्यों नहीं मिला हुआ, ठीक। अब मुझे बताना जब ये बनकर कि एक प्याला में आ जाते हैं, समझना तो प्याला है और यहाँ से है निकल गए, जब ये प्याला से आप चाय पीते हो, जब आप चाय ले तो देखो क्या क्या मिला यार, यहाँ पे मैंने शुगर भी डाला, मिल्क भी डाला, टी लीफ भी डाला, जिंजर भी डाला, वाटर भी डाला, और इस सबको खौला कर कुछ देर, यानी कि कुछ देर इसको खौला करके मैंने क्या बनाया, चाय। क्या बनाया आप देखो, ये भी लिखना पड़ेगा साथियों, चाय। मैंने क्या बनाया, चाय। और जब चाय पीते हो, करते हो, तो क्या कहीं ऐसा देखे हो चाय पीते वक्त चीनी इधर चला जाता है, चाय पत्ती यहाँ चला जाता है, पानी इधर चला गया, दूध इधर चला गया, ये ऐसा कभी सुनो नहीं। वो सारी चीज़ मिलकर एक अलग स्वाद हो जाते हैं, एक अपने आप में एक अलग स्वाद देता है। ऐसा नहीं कि चीनी इधर चला जाता है, वो चाय पत्ती इधर चला जाता है, उसका स्वाद इधर चला जाता है, सबका स्वाद एक मिक्स होकर के एक अपना अलग अंदाज पेशकश करता है। तो उसी तरह कंपाउंड सेंटेंस है, दो मेन क्लोज अलग अलग मेन क्लोज को जोड़ने पर, यानी दो मेन क्लोज मिलकर के एक नया सेंटेंस को रूप दे देते हैं, एक नया मीनिंग प्रेजेंट कर देते हैं, उसी को तो कंपाउंड कहते हैं। दो मेन क्लोज को जोड़ दो, कंपाउंड हो जाएंगे। समझ गए होगे, बहुत अच्छे लड़के हो आप, समझ गए होगे, ठीक है। फिर से यहाँ पर देख लो, आपके स्क्रीन पर टेक्निकल मॉडल लगा देंगे, मैं थोड़ा हट जा रहा हूँ, टेक्निकल जी लगा दे थोड़ा, वो बच्चों को दिखा दीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, फटाफट देख लीजिए आप साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है आपका लिखा हुआ यहाँ पे, जिस वाक्य में दो मेन क्लॉज हो उसे कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। और देखिए यहाँ पे लिखे एग्जांपल भी लिखा हुआ, आई एम टीचिंग यू एंड यू आर प्लेइंग, मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ तुम खेल रहे हो। फिर एक और एग्जांपल लिखा हुआ है, आई एम टीचिंग हियर एंड यू आर लर्निंग हियर, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ तभी तो तुम सीख पा रहे हो। फिर एक और एग्जाम्पल लिखा हुआ, आई स्टडी बट यू प्ले, मैं पढ़ाई करो अध्ययन करता हूँ लेकिन तुम खेलते हो। ये सारे एग्जाम्पल थे कंपाउंड का, कंपाउंड बहुत अच्छे तरीके से सीखोगे आप, इतने मेहनत से बताया एकदम पूरा तरीके से सीखे ही होगा, ठीक है। तो अब आज हम चलते हैं अपने तीसरे जो हमारा है, क्या है, कॉम्प्लेक्स। तीसरा, पहला हम सिंपल सीख गए, कंपाउंड सीख गए, अब तीसरा हम कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ने की प्रयास करेंगे। चलो कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ने की प्रयास करते हैं, क्योंकि चाय से जो बच्चा चाय पिया होगा ना वो पक्का सीख गया होगा, जो चाय पिया होगा वो पक्का सीख गया होगा, ठीक है। क्योंकि कंपाउंड चाय से पीने की पे आधारित थी। मैं ऐसा ऐसा तरीका लाऊंगा ना साथियों को जिससे आप सीख ही जाओ, मैं ऐसा ऐसा तरीका लाऊंगा जैसे तर्क जिससे आप सीख जाओ, क्योंकि अब मुझे आपको रटाना नहीं है, क्योंकि मुझे रटाना होता तो मैं स्लाइड लगाता कहते देखो साथी जिस वाक्य में दो मेन क्लॉज हो तो कंपाउंड कहते, मैं तो दो मिनट में वीडियो खाते मेरे चला जाता, लेकिन मुझे आपको सीख रटवाना नहीं है। आ जाइए हम लोग अब पढ़ेंगे क्या, कम्प्लेक्स। क्या बात करेंगे, कम्प्लेक्स। देखो COMPLEX, समझना, कम्प्लेक्स में क्या होता है ना कि एक मेन क्लॉज होता है, क्या होता है साथियों, एक मेन क्लॉज होता है और एक क्या होता है, सब ऑर्डिनेट क्लॉज, सब ऑर्डिनेटिंग होता है, ठीक है। एक मेन क्लॉज होगा, एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज होगा, और उसी को क्या बोलेंगे साथियों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे साथियों, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलेंगे। उसको कॉम्प्लेक्स समझने से पहले देखो, मैंने चर्चा किया था फैन बॉयज के, जो ना मैंने नहीं बताया, लेकिन जो बच्चे देख रहे होंगे ना तो बच्चे भाग गए होंगे, लेकिन जो बच्चे देख रहे हो समझ लो फैन बॉयज होता क्या है, मैंने भूल गया बताना आपको, FANBOYS। देखो एफ का मतलब होता है फॉर, ए का मतलब होता है एंड, ठीक है, एन का मतलब होता है नॉर, बी का मतलब होता है बट, ठीक है, ओ का मतलब होता है और, वाई का मतलब होता है येट, और एस का मतलब होता है सो। देखो FANBOYS, फैन बॉयज, एफ मतलब फोर, ए मतलब एस एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट, एस से सो। इन वर्ड से आपका सेंटेंस जुड़ा हुआ हो तो याद रखना वो 99% कंपाउंड ही होंगे। कुछ ऐसे केसेस होते हैं रियल फ्रैक्शन आते हैं, लेकिन मान के चलो 99% नहीं कह सकता, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज है और लैंग्वेज में क्या हो जाता है कोई नहीं बता सकता है,
तो 99% मान के चलना जो इन वर्डों से सेंटेंस जो ज्वाइंट हो वो कंपाउंड के ही होते हैं, ठीक, कंपाउंड ही होते हैं। एक देसी तरह का सब्जेक्ट, चलो कंपाउंड भाई इतने बड़े तरीके से पूरे यूट्यूब पर खोजा नहीं समझे होगे। फैन बॉय देसी तरह का चाय बना करके सिखाया, फिर आपको फिर बढ़िया तरीके से बताया, दो मेन क्लॉज भी ले लो अपना मिनिमम, बहुत अच्छे तरीके से कंपाउंड समझ गए। अब कॉम्प्लेक्स को भी समझना है बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि एक मेन क्लॉज लगा दूं, क्या करो एक मेन क्लॉज लगा दूं, ठीक है, मैं एक मेन क्लॉज लगा दिया, एक मेन क्लॉज लगा दिया, यू विल लर्न इंग्लिश, ये क्या हो गया, एक मेन क्लॉज हो गया, तुम अंग्रेजी सीख जाओगे, आप अंग्रेजी सीख जाओगे। अब हमको क्या लगाना है, सबऑर्डिनेट लगाना है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज लगाना है, इफ, सबऑर्डिनेट कैसा होता है जिसका कंप्लीट मीनिंग नहीं हो, इफ यू ज्वाइन, इफ यू ज्वाइन माई क्लास, यदि तुम मेरे क्लास ज्वाइन करते हो, यदि तुम मेरे क्लास ज्वाइन करते हो, इसका कंप्लीट मीनिंग नहीं है, लेकिन इन दोनों को एक साथ लिख दिया, इफ यू विल लर्न इंग्लिश, इफ यू ज्वाइन माई क्लास, तुम अंग्रेजी सीख जाओगे यदि तुम मेरे क्लास को ज्वाइन करोगे तो, ठीक है, करते हो तो, ठीक है, तुम मेरे क्लास को ज्वाइन कर दो तो अंग्रेजी सीख जाओगे। ये क्या था, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का वो था। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कुछ उदाहरण उदाहरण मतलब जो डिफिनेशन होता है स्क्रीन पे मैं लगवा दे रहा हूँ, देख लीजिएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, जिस वाक्य में एक मेन क्लॉज हो और एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो उसी को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। कुछ एग्जांपल है, फटाफट देख लो, यहाँ पे दिया होगा, देखो यहाँ पे फटाफट नोट डाउन कर लो साथियों, कर लिए होगे। अब देखो, इन सबके अलावा मैं एक ऐसा तरीका समझा रहा हूँ कि आपको ना इस चीज़ को देखना पड़ेगा ना किसी और चीज़ को देखना पड़ेगा, ठीक है, आपको मैं एक ऐसा तरीका बता रहा हूँ कि बहुत मज़ा आ जाएगा। चलो सर से हटवा दूँ, चलिए हट गया होगा, आ जाइए। इन सब के पीछे में एक और तरीका ऐसा बता दूँ आपको कि जो उसको सीखने के बाद आपको क्या होगा, ना सिंपल पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ना कंपाउंड इतनी देर से देखे हो वो भी समझ जाओगे और कॉम्प्लेक्स भी समझ जाओगे, एकदम यू सीख जाओगे। और ऐसे मैं रब करता हूँ, आप सबका कमेंट बहुत अच्छे आ रहे हैं, बच्चे कॉल बहुत सारे कह रहे हैं सर समझ में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। मैं सबका कमेंट देखूंगा फिर उसके बाद बताऊंगा तारका, मैं सबका कमेंट देख रहा हूँ, सब फटाफट कमेंट कर दो सभी साथियों कमेंट कर दो, वाओ इमोजी भेजो साथ साथ ही, सबको इमोजी भेजो, लाल पीले वाला इमोजी भेजो ताकि मैं समझ सकूँ आप सब समझ रहे हो। चलो मैं कह रहा था देसी तारका बताऊंगा, ऐसा तारका आप सेंटेंस को यूं देख के पहचान, ऐसे यूं देख के जैसे मैं देख रहा हूँ ना, नजर से नजर देख के पहचान लोगे कि ये सेंटेंस का कौन सा है, नहीं समझे, आप सेंटेंस देखोगे कहोगे कि ये पार्ट का हिस्सा है, ये सिंपल का है सेंटेंस, ये कंपाउंड का है सर जी, ये कॉम्प्लेक्स का, कैसे सीखोगे मुझसे से बताता हूँ। देखो ये साधारण तरीका समझो, वैसा सेंटेंस जो केवल एक क्लॉज हो इसमें, जिसमें केवल एक मेन क्लॉज हो, जिसमें केवल एक मेन क्लॉज हो वो सिंपल कहलाता है, क्या कहलाता है साथियों, सिंपल कहलाता है, सिंपल फंडा, उतनी देर से क्या पढ़े सारी को नहीं छोड़ एक चुटकियों में। दूसरा बात याद रखो, जो सेंटेंस एफ ए एन बी ओ वाई एस से जुड़ा हो, से क्या हो, जुड़ा हो, वो क्या कहलाएगा साथियों, आपका कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, क्या कहलाएगा साथियों, कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, जो फैन वाइज से जुड़ा हो वो कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। अब फैन वाइज को छोड़ करके, ये फैन वाइज को छोड़कर, फैन वाइज के अलावे, फैन वाइज के अलावे, फैन वाइज के अलावे जो बाकी किसी और से जुड़ा हो, कि बाकी और वर्ड से क्या हो, जुड़ा हो, क्या बोलते हैं साथियों, उसी को क्या बोलते हैं साथियों, आपको हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं साथियों, कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, समझ गए सारी चीज, उतने देर जो कुछ भी पढ़े उतने देर में सारे के निचोड़ समझो, जिसमें एक क्लॉज हो,
जो किसी से भी ना जुड़ा हो, सिंपल फॉर्म में हो, मेन क्लॉज कहलाएगा, जो किसी से ना जुड़ा हो, भाई वो बंदा बहुत सीधा हो, वैसा सेंटेंस जो देखने में बहुत प्यारा हो, जैसे ही इज ए बॉय, आई इट ए मैंगो, यू गो, ये सारे में किसी वर्ड से जुड़े हैं, किसी और वर्ड से जुड़े नहीं, किसी ना किसी वर्ड से नहीं जुड़े हुए, ये साधारण कहलाएंगे, सिंपल सेंटेंस। वैसे सेंटेंस जो फैन वाइज से जुड़ा हुआ हो, क्या हो, जुड़ा हुआ हो, तो उसे कंपाउंड कहेंगे। और ये फैन वाइज जो भैया साहब है, इनके अलावा कौन और वर्ड से जुड़ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, कम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये थी हमारी छोटी सी आपको बताने की ट्रिक। अब इसके अलावा भी नहीं समझे होंगे ना, तो एक और देसी तरीका है समझाने के लिए, जिसे समझना आपको बहुत जल्दी समझ जाओगे, ठीक है। एक और देसी तरीका समझ, कैसे समझोगे सेंटेंस को, वो देसी तरीका समझो, ये लास्ट होगा देसी तरीका, क्योंकि मैंने सेंटेंस बताने के लिए पूरे यूट्यूब पे खोज लेना, इस तरह से चार पांच तरीके सेंटेंस बताना नहीं बताया गया, ठीक है, ये बात याद रखना। बहुत जो मैंने अभी तक मैंने जो दो तीन सालों में, मतलब चार सालों से जो कुछ भी पढ़ा हूँ, सारी चीज़ें इसमें इनबिल्ड कर दिया हूँ, ठीक है साथियों। और ये सेंटेंस का सबसे बेस्ट तरीका जो अब लास्ट में बताऊँगा ना, पूरे खोज के देख लेना, ये नहीं बताया गया होगा, ठीक है, क्योंकि कंसेप्ट यहाँ पे सीखो, बाकी चीज़ तो रटा रटा आपको मिल ही जाएगा सारे बुक में सब जगह। जब आप सिंगल होते हो, यहाँ पे समझना फिगर से, जब आप क्या होते हो, सिंगल होते हो, अकेले रहते हो, क्या होते हो, अकेले रहते हो, किसी से कुछ मतलब नहीं होता, आप अकेले हो, देन उस कंडीशन में, देन उस कंडीशन में क्या होते हो, आप सिंपल फॉर्म में रहते हो, क्या होते हो, सिंपल, कहते नहीं हम लोग सिंपल लड़का हैं। जब कोई सेंटेंस साधारण तरीका से रहता होगा तो सिंपल होता है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ जाएगी साथियों, जैसे जैसे आप सियाने होते चले जाओगे, किसी ना किसी पीरियड ऑफ टाइम आएंगे, तब आपको क्या हो जाएंगे, आप दो जने हो जाएंगे, यानी कि आपकी क्या हो जाएगी, शादी हो जाएंगे, साथ ही आप दो जने हो जाएंगे। मैंने बताया आपको कि जब दो मेन क्लॉज जुड़ जाते हैं, जब दो मेन क्लॉज जुड़ जाते हैं तो कंपाउंड हो जाते हैं, तब आप क्या चीज़ के उदाहरण हो जाएंगे, आप हो जाएंगे कंपाउंड का उदाहरण, क्या चीज़ के उदाहरण हो जाएंगे, कंपाउंड का। और जब आप यहाँ पे थे और यहाँ पे आप थे, समझ रहे हो ना, आप यहाँ पे थे, ठीक है, ये देखना फिगर थोड़ा कैसा भी हो जाए कोई बात नहीं है, यहाँ अकेले थे, यहाँ आपकी आप हैं और ये आपकी शादी होगी हुए हैं, और यहाँ पे आप हैं और आप हैं, आने वाला फ्यूचर में आपके पास ऐसे ऐसे हो जाएंगे, मतलब समझ रहे हो ना, तो क्या हो जाएंगे, इस किसके एग्जाम्पल हो गए, हम दो, हमारे दो, ये क्या हो जाएंगे, कम्प्लेक्स, कम्प्लेक्स का मतलब होता है मोर देन, यानी बहुत सारी चीज़ों को जोड़ देना, ठीक है। तो वो थे आपके क्या क्या चीज़ के उदाहरण हो जाओगे, कम्प्लेक्स की, इसकी उदाहरण हो जाओगे कम्प्लेक्स की। तो ये थे एकदम बहुत आसान तरीका सेंटेंस को समझने की, सेंटेंस में जो अकेले हो सिंपल कहलाएगा, जिसमें दो जुड़ जाए कंपाउंड कहलाएगा, हम दो हमारे दो कम्प्लेक्स कहलाएगा। तो साथियों बस आज के लिए इतना ही था, तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हो पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के टेलीग्राम का लिंक होगा वहाँ चेकआउट कर लेना है, अदरवाइज आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करना PBR स्टडी, वहाँ से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, ठीक है, ताकि आपको PDF मिल सके। तो बस बढ़ते रहिए और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, सभी के साथ शेयर कर देना, ताकि वह भी सीख पाएँ एक प्रैक्टिकल इंग्लिश, क्योंकि हम रटा रटाए चीज़ों पर नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे क्या ये सही है जो चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ, ये वास्तव में वैसा चीज़ है जो चीज़ हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। तो हम लोग कनेक्ट करके पढ़ेंगे इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश हमें रटना नहीं है, इंग्लिश क्योंकि रटोगे तो बस उतना ही चीज़ बता पाओगे जितना आता है, लेकिन समझोगे तो अपने मन से बहुत सा, जैसे मैं एग्जाम्पल दे पा रहा हूँ आप भी दे पाओगे। बस थैंक यू एवरीबॉडी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।